हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग कलरफुल वर्ल्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं और कलरफुल वर्ल्ड में बहुत सारे फेनोमेनास जो हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो बच्चों, प्रिज्म आप सबने देखा है, आप सबने उसको अपने स्कूल में, स्कूल के लैब में आपने देखा होगा, आपने उसके थ्रू कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, आपके टीचर्स ने कराए होंगे आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग आज जिक्र करेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रिज्म के थ्रू जो लाइट का रिफ्रैक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लें कि प्रिज्म क्या होता है। ये मैं आपको एक जरा ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप वैसे आप रिलेट कर पाएंगे। एक एक इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ग्लास का। ठीक है, वैसे वो थ्री डायमेंशनल शेप का होता है, अगर आप चाहें तो आप इसको थ्री डायमेंशनल शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैक पोर्शन है और इस साइड से बैक पोर्शन एक ही साइड से आपको दिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर अगर आप साइड आकर देखेंगे तो। प्रिज्म क्या है बच्चों? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस होता है जिसके थ्रू जब आप लाइट को पास करते हैं तो लाइट का ना रिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट की बेंडिंग होती है। क्यों बेंडिंग होती है? क्योंकि भाई इस साइड एयर है, एयर से आप प्रिज्म यानी ग्लास में लाइट को भेजेंगे, जाहिर सी बात है मीडियम जो है वो चेंज होगा, और मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, राइट? तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रिज्म क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर कह देते हैं इसको। क्या बच्चों, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जब आप लाइट पास करते हैं, थ्रू विच When light passes, ठीक है, जिसके थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं, थ्रू विच व्हेन लाइट पासेस अंडरगोज इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं तब लाइट का उसके थ्रू पास होने की वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, प्रिज्म का एक ये सरफेस देखिए और एक ये सरफेस देखिए। अगर आप लाइट को पास ये सर, इस सर, इस सरफेस के ऊपर अगर आप प्रिज्म को खड़ा करते हैं तो लाइट जब पास करेगी तो एक बार इस वाले सरफेस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, सिर्फ फ्रंट पोर्शन को देखिए, बैक पोर्शन को बोल जाइए, एक बार इसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि इस साइड एयर है और इस साइड ग्लास है, तो मीडियम में चेंज होने की वजह से एक बार इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर ग्लास से जो लाइट है वो वापस से एयर में आएगी, फिर से मीडियम में चेंज है तो इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो इसलिए ये दोनों सरफेसेस जिसपे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि द सरफेस ऑफ प्रिज्म, द सरफेस ऑफ प्रिज्म, और ये सरफेसेस नॉन पैरेलल हैं एक दूसरे से, पैरेलल नहीं है। द सरफेस ऑफ प्रिज्म थ्रू विच लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, थ्रू विच लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रिज्म का वो सरफेस जिसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म।
ठीक है बच्चों। अच्छा उसी तरीके से तीसरे, ये दो सरफेस तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तीसरा सरफेस वो सरफेस है जिसके ऊपर प्रिज्म अपन खड़ा है, तो इस तीसरे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बेस ऑफ प्रिज्म। तो जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इज नोन एज बेस ऑफ प्रिज्म। थर्ड साइड क्या कहते हैं बच्चों, बेस ऑफ प्रिज्म। ऑलराइट, और एक आखिरी चीज और समझ लीजिए कि जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं उनके बीच का जो एंगल है उसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ठीक है बच्चों, तो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये प्रिज्म है आपका, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ये जो सरफेस है प्रिज्म के, दो सरफेस आप देखिए, इसके थ्रू जब लाइट आपकी पास करती है इसका रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। और तीसरा साइड जो है उसको हम लोग बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है इसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन है लाइट का, प्रिज्म के थ्रू लाइट को जब हम पास करते हैं तो किस तरीके से उसका रिफ्रैक्शन होता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहले इसको नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है इसको जरा एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा प्रिज्म है, ऑलराइट, और ये प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। और कोई एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब क्या हो गया, एस हमारा क्या है यहां पर, मोनो क्रोमैटिक सोर्स। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स यानी कि एक ऐसा सोर्स जो कि सिंगल कलर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम अगला लेक्चर करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, उसमें हमारा जो सोर्स होगा वो एक व्हाइट लाइट का सोर्स होगा, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो व्हाइट लाइट है वो सात कलर का बना हुआ होता है, तो वो मोनोक्रोमैटिक नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ, अगर येलो कलर है तो सिर्फ येलो कलर, अगर ग्रीन है तो सिर्फ ग्रीन कलर, यानी एक ही कलर का जो लाइट है वो ये सोर्स जेनरेट करता है। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया, हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म के सामने हम एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लाकर प्लेस करते हैं। ठीक है, इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट आपकी निकलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है जहां से हम लोग एक लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं प्रिज्म के ऊपर, यानी कि ये एस, और इस पॉइंट को अगर मैं ओ कह दूं तो एस ओ जो हमारा है वो इंसिडेंट रे है। एस ओ ये हमारा क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तब जो ये नॉर्मल है, ओ पॉइंट क्या है बच्चों, ओ पॉइंट एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान समझिएगा, जो पहला वाला सरफेस, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सरफेस जो हमारा है
जो ये एबी सरफेस है ये आपका एयर ग्लास इंटरफेस है, लाइट जहां से चलती है उसे पहले नाम लेते हैं, जिसमें एंटर करते उसे बाद में, तो एयर ग्लास इंटरफेस है, एक ऐसा सरफेस जो कि एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है, उनके बीच का इंटरफेस है वो। तो जब हम मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे इंटरफेस एबी के ऊपर, कैसा इंटरफेस, एयर ग्लास इंटरफेस एबी के ऊपर, ठीक है, एट पॉइंट ओ, यानी ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस पॉइंट पर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ए बी आपका एक एयर ग्लास इंटरफेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, राइट, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि लाइट जो है वो आपकी एयर से ग्लास में एंटर हो रही, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर हो रही, और हम सब जानते हैं कि जब लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो इसलिए कायदे के अनुसार तो लाइट को इस डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रेवल कर जाना चाहिए था अगर यहां पर कोई प्रिज्म नहीं होता तो, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से ये लाइट जो है वो आपकी, देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट है, लाइट जो आपकी नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, और बेंड होने की वजह से लाइट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से ट्रैवल करती है। ऑलराइट, अब ये जो लाइट रे आपका है इसे मैं सपोज करिए कि अगर मैं इसे ओ डैश कह दू, इस पॉइंट को अगर मैं ओ डैश कह दू, तो ओ से लेकर ओ डैश तक जो रे है इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओ ओ डैश हमारा है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है इसका नॉर्मल से जितना एंगल बनता है इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये लाइट जब आपकी आगे की तरफ ट्रैवल करती है, ट्रैवल करने के बाद ओ डैश में यहां बाहर लिख दे रहा हूं, ट्रैवल करने के बाद जो लाइट है वो फिर से एक इंटरफेस के ऊपर आकर इंसिडेंट हो रही है। एसी भी एक इंटरफेस है क्योंकि जो एसी सरफेस है उसके लेफ्ट की तरफ देखिए तो ग्लास है और राइट की तरफ देखिए तो एयर है, यानी एसी एक ऐसा सरफेस है जिसने एयर, सॉरी, जिसने ग्लास और एयर दोनों को सेपरेट आउट कर रखा है, और लाइट यहां पर ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, इस वजह से इसे हम लोग ग्लास एयर इंटरफेस कहेंगे। ए बी आपका एयर ग्लास इंटरफेस था, एसी आपका ग्लास एयर इंटरफेस है। अब लाइट यहां पर ग्लास से एयर में, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पहुंच रही है, तो डेंसर से रेयरर जब लाइट आपकी जाती है देन इन दैट केस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर इस पॉइंट पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों, तो ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे, कायदे के अनुसार अगर आगे भी आपका ग्लास ही होता तो लाइट को इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इसलिए लाइट आपकी इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अब ये जो लाइट है अगर मैं इसे पी कह दूं, तो ओपी डायरेक्शन में जो लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, ये देखिए पहले लाइट एयर से चली थी, वापिस से लाइट एयर में इमर्ज कर गई, इसलिए ओपी जो रे है उसे हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओ डैश पी, इसे हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। देखिए इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से जो एंगल है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं, वैसे इमर्जेंट रे का जो नॉर्मल से एंगल है उसे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। अब ये जो इमर्जेंट रे है अगर इसे मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूं, तो इमर्जेंट रे को अगर मैं पीछे की तरफ मैं ड्रॉ करूं, तो इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना था, इमर्जेंट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है उस एंगल को हम लोग डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी जो है बच्चों आपका, डी आपका होता है एंगल ऑफ डेविएशन, डी क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन।
डी क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। कहने का मतलब कि देखिए इस लाइट को कायदे के अनुसार जो इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन बीच में प्रिज्म आ गया, प्रिज्म के आने की वजह से लाइट जो है वो आपकी बेंड हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट जो है वो मुड़ गई, बेंड हो गई, और बेंड होने की वजह से फाइनली लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही। तो जो इंसिडेंट रे यानी जिस डायरेक्शन में लाइट को ट्रेवल करना था और जिस डायरेक्शन में प्रिज्म के आने की वजह से लाइट ट्रेवल कर रही, उन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उतने एंगल से लाइट प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करने की वजह से बेंड हो जा रही है। इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इतने एंगल से बेंड हो जा रही है, इतने एंगल से अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जा रही है, इसलिए इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा एक प्रिज्म है और ये S एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि एक ऐसा लाइट जो कि सिंगल कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइट जब आपकी इंसिडेंट होती है, पहले वो ए बी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी। ए बी जो है बच्चों आपका, इसे हम लोग एयर ग्लास इंटरफेस कहते हैं। क्यों एयर ग्लास इंटरफेस कहते हैं? क्योंकि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो इसीलिए पहले जिससे पहले मीडियम का फिर दूसरे मीडियम का नाम लेते हैं। तो ए बी आपका एयर ग्लास इंटरफेस है, उसी तरीके से जो ए सी है ये आपका ग्लास एयर इंटरफेस है। ए सी क्या है? ग्लास एयर इंटरफेस। जब मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करते हैं एयर ग्लास इंटरफेस ए बी के ऊपर, तो लाइट आपकी मीडियम चेंज होने की वजह से रेयरर से डेंसर मीडियम जाने की वजह से नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करती है और फिर दूसरे इंटरफेस एसी जो कि ग्लास एयर इंटरफेस है उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट ग्लास से एयर में यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में वापस से इमर्ज करते, इस वजह से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इमर्जेंट रे का नॉर्मल से जो भी एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जब लाइट प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करती है, तो प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करने की वजह से जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से यानी सोर्स से निकलकर लाइट जिस पाथ के लॉन्ग जिस डायरेक्शन के लॉन्ग ट्रेवल कर रही थी उस डायरेक्शन से लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होने की वजह से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। तो जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे, इन दोनों को अगर आगे पीछे करके और अगर मीट कराएं तो दोनों के बीच में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उतने ही एंगल से लाइट जो है वो बेंड हो गई है, डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से, इसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे, is the angle between original incident ray and final emergent ray। अच्छा एक चीज और नोट करिएगा कि इसको हमने इमर्जेंट क्यों कहा, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए लाइट की शुरुआत कहां से हुई? एयर से, और अंत कहां हो रही? एयर। यानी कि लाइट ने अपनी जर्नी को एयर से स्टार्ट किया था और आखिर में लाइट जो फिर से एयर में है। तो हम कहते हैं कि जो लाइट एयर से ट्रेवल कर रही थी वो प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल करने के बाद दोबारा से एयर में इमर्ज कर गई, यानी वापस से एयर में आ गई। तो अगर पहला मीडियम, शुरुआती मीडियम और आखिरी मीडियम दोनों अगर सेम होते हैं तभी लाइट के रे को हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप, वीडियो खत्म अब हो रहा है, अपने लैंग्वेज में उसको अभी ही लिख लीजिएगा, बाद के लिए मत छोड़िएगा, अपने लैंग्वेज में उसको आप लिख लीजिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहां पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग
मोनोक्रोमैटिक की जगह व्हाइट लाइट भेजेंगे और वो व्हाइट लाइट सेवन कलर्स में बटेगा, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से पिछले लेक्चर के पहले इसको आप अगले लेक्चर के पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय।